lost in your eyes under your spell. Good morning, Priyansi beta. क्या लिख रहे हो? स्कूल का, ट्यूशन का? ब्रश नहीं किया हो अभी तक? जाओ जाओ, टाइम हो जाएगा, ब्रश करो। पानी तुम्हारा गर्म बाथरूम में दे चुकी हूँ। सही है। क्या कर रही थी? अभी गिर गई? नहीं, गिर। फिर क्या कर रही थी? थोड़ा दिखाओ तो। स्टेप ऐसे कर। अरे अरे, तुम्हारे पास एक फूल कलर का ब्राउन लेगिंग्स था, वो नहीं पहनती? पहन के जाना चाहिए, सर्दी हो गया है। निकाल दूं क्या? नीमो को बाय बाय बोलो। नीमो बेचारी को तुम बात ही नहीं करते। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा तो सारा काम ख़त्म हो गया है, लेकिन मेनली है जो कि मेरा ब्लॉग एडिटिंग करना, वो हुआ नहीं है। और मेरा क्लचर टूट गया है। और प्रियांशी के लिए एक चीज़ आया है अभी, उसको मैं अनबॉक्स करके दिखाती हूँ आप लोगों को। वो शायद उसको मैं बोली थी लेकिन वो ध्यान नहीं दी थी, उसके लिए एक स्वीट शर्ट मंगाई हूँ और उसको दिखाई भी थी लेकिन वो भूल गई है। आज स्कूल से आएगी तो देखेगी वो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, इसका रेड कलर जो मिल रहा था, एंड प्रियांशी को मैं बोली कि रेड मंगाऊं कि ब्लू, लेकिन प्रियांशी को ब्लू बहुत पसंद आया क्योंकि उसको उतना रेड कलर पसंद नहीं है, तो ब्लू बोली। और ये क्या दो मिला है, QR कोड वाला, कैसा पता नहीं। अभी तो वो देखेगी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कैसा आया है। वाओ, टाई डाई वाला आया है, बहुत अच्छा तो दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा छोटा लग रहा है साइज में, कि परफेक्ट है पता नहीं, प्रियांशी पहनेगी तो पता चलेगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है थोड़ा छोटा साइज जैसा, लेकिन देखते हैं। इसका एज लिमिट 11 to 12 इयर्स तो है, तो छोटा नहीं होगा। तो आएगी तो ट्राई करेगी तो फिर देखेंगे, आप लोगों को दिखाएगी वो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, प्रियांशी को मुझे आज लेने जाना पड़ा स्कूल। प्रियांशी क्यों स्कूल जाना पड़ा? अभी आए हैं ये सब शॉपिंग करके। प्रियांशी का तबीयत ख़राब हो गया स्कूल में, बुखार आने लगा, तो उसकी मैम फ़ोन किए थे, तो फिर मुझे, मैं सो रही थी 3:30 बजे उठ के, फिर कॉल जब आया मैं लेने गई तुमको। और ये तुम्हारा न्यू शी शर्ट, स्वीट शर्ट आया है, ये दिखा रही थी, लेकिन मुझे ये थोड़ा छोटा साइज लग रहा है। तुम पहन के थोड़ा दिखा सकते हो? लाओ, चेन खोल दूँ? और स्कूल से आते आते मुझे कुछ कुछ सब्जी भी लाना था, तो पालक और सेमी और क्या लाई हूँ, कच्चा बनाना लाई हूँ, एंड मिक्सचर, दूध, ये सब घर में ख़त्म हो गया था, तो वो सब भी लेके आई हूँ आते वक्त। कैसा लगा ये वाला? अच्छा ना, थोड़ा सा तुमको मतलब परफेक्ट हो रहा है, लेकिन ये जल्दी छोटा हो जाएगा ना, तुम तो बढ़ रही हो ना, तुम्हारा हाइट भी बढ़ रहा है। तो क्या करती हूँ, इसका एक्सचेंज करा लेती हूँ। हाँ। यही वाला आएगा, थोड़ा बड़ा सही जाएगा, ठीक है, डन। ये थोड़ा फाड़ो, खा लेते हैं। वो जो मारंगल मर हो जाते हैं, मारंगल मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और क्या लाई हो तो खा लेते हैं। प्रियांशी, तुम्हारा आजकल ट्यूशन छुट्टी होने के बाद इनको खिलाने का काम मिल गया क्या? ओए प्रियांशी, इनको खाना खिलाने का काम मिला है क्या? ओले मेरे छोटू, ये मेरा फेवरेट है, छोटू वाला भी मेरा फेवरेट है। अरे इन लोगों को इवनिंग को दाल चावल दिए हैं, तो देखो दाल चावल, प्रियांशी दाल चावल देखो सारा खा लिए हैं। तुम लोग सारा खा लिए ना, लेकिन रोटी नहीं खा रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं बेचारे को। ओहो, एक को देखो ना, तुम्हारे पास खेलने के लिए आ रहा था वो वाला पीछे। अरे देखो तो कैसे हो रहे, नो लड़ाई, नो लड़ाई, रोटी खाओ। नो नो,
ये तुमको भी काटने आ रहा है, देखो। नहीं, मैं अच्छी बच्ची। और ये कहाँ गया? गाड़ी पास नहीं। अभी देखो खा रहा है, अभी खा रहा है। ये तुमको पूरा पहचान चुका है ना, है ना? ओके, उसको ले आओ इधर, गुड नाइट बोल के चलना है। प्रियांशी गुड नाइट बोलो इन लोगों को, घर चलेंगे, चलो। चलो चलो गुड नाइट बोलो, सो जाएंगे बोलो। मेरे हाथ में हाथ रखो। अच्छा है। ओहो। ओके, इतना आज के लिए काफी है, मैं कल मिलूंगी तुमसे। ये सबसे क्यूटी है ना वो छोटू। जॉन बनेगा जॉन। इनको बोलो तो थोड़ा। जॉन बनेगा जॉन, जॉन बनेगा जॉन, जॉन बनेगा जॉन। इन लोगों को चावल और दूध, छोटू वाला थोड़ा दस्ती तो गंदा गंदा हो। सुनो, इन लोगों को ना चावल और दूध चाहिए, नहीं तो दाल चावल खाने से खा रहे हैं। प्रियांशी उसकी मम्मी आ गई। और ये दोनों खाली एक बदमाशी करते हैं, सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं वो लोग, लड़ाई लड़ाई। उनका पापा है। बापा काली दबो ना ले। चल प्रियांशी, आज बहुत होमवर्क पड़ा है क्या मैथ का? ये हेयर में जो रैबिट लगाते हो क्यों? तो बाल आते हैं। ओहो, इसीलिए ये हैं? खोलूंगी तो। ओहो हाँ, ठीक है, लगा के पढ़ो, ये तो अच्छा काम किए। हाँ, आज फिर प्रियांशी को एडिटिंग भी करना है, अभी पढ़ाई कर रही है। मेरा बहुत काम है का। तो क्यों सो गए हो? बैठो बैठो, मेरी कमर दुख। गरम गरम ले आऊं क्या दूध? पी लेना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मेरा कमर ठीक। मैं बचपन में जब पढ़ाई करती थी, मुझे नींद लगती थी तो मेरी मम्मी दूध दे देती थी, थोड़ा सा गरम दूध पी लेने से फिर नींद छूट जाती थी। गरम दूध पीने से और नींद आती है मैडम। कौन बोला मैडम? मैं बोली मैडम। लिखो 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 लिखो, मैं नीमू को खाना देके आ जाती हूँ, ठीक है? आज बस चार जन का नाम लेना है, मैं लिख चुकी हूँ इधर, चार जन का होंगे, क्योंकि कमेंट 5 ही आया था। कमेंट अब ऑफ कर दीजिए क्या? ऑफ हो गया था, इवनिंग को देख के मैं फिर ऑन की। ठीक है, पढ़ाई करो। हाय हाय, कितना पढ़ाई करना पड़ता है छोटी बच्ची को मेरी। ज्यादा सिंपैथी मत। सिंपैथी क्या, मैं सच बोल रही हूँ। इधर तेरे पापा का क्या हुआ, आपको दिखाऊं क्या ब्लॉग में? नहीं, आप ब्लॉग में नहीं आना चाहते? क्यों? तेरे पापा को ना कैमरामैन बन जाना चाहिए, हम माँ बेटी का, है ना? क्योंकि वो तो अपना मुंह दिखाते नहीं कभी। फ्रेंड्स, मुझे नींद लगने लगी है, लेकिन प्रियांशी को मैं वेट करूंगी, पड़ेगी तो। और इधर है नीमो, बोल दो फ्रेंड्स लोगों को गुड नाइट। क्या पानी दूं? सुबह जल्दी उठ के फिर बाकी कर लेना। बहुत है कल, बहुत सारा। क्या हुआ रे? आओ खुद ले लो। मुझे कुछ लिखना था, मुझे हिंदी का लिखना था। ओके, उसको याद करते करते
नीमो इधर बुला रहा है। ओके अच्छा के नीमो कैसे चिल्ला रहा है इधर देखो ना। प्रियांशी दीदी गुड नाइट। गुड नाइट नीमो। दीदी आप मुझे भूल जाते हो, खाना नहीं देते। भूल तो नीमो, अच्छा बच्चा है नीमो। और वो मेरी दोस्त की व्लॉग देखती है, उसको नीमो बहुत पसंद है, मैं मरने वाली हूँ। क्यों? वो अगर मैंने नीमो के अगेंस्ट कुछ भी बोला वो मुझे जान से मार डालेगी। हाँ देखा नीमो, प्रियांशी की दोस्त तुमको बहुत पसंद करती है सोनाक्षी। प्रियांशी दीदी भी बहुत पसंद करती है। ओके गुड नाइट नीमो, गुड नाइट। ऐसा है ना, यह ना काफी यूनिट से सेटअप है, तो अभी अभी जस्ट मेरा मैथ खत्म और मेरा हाथ में बहुत जोर से दुख रहा है। मैंने मैथ को होमवर्क नहीं किया था तो कर लिया मैंने, और कल वैसे भी स्कूल के लिए इंग्लिश और हिंदी लिखना है तो मैं स्कूल जाके लिखूंगी। ओके एनीवेज चलो आज का नाम लेते हैं, तो आज का नाम है सांची, धनवंशी, वृष्टि एंड प्राची। तो इतना ही है आज का नाम। तो मुझे वीडियो एडिट करना है जो कि मेरा एडिट हुआ है नहीं, तो अभी जाऊंगी। मम्मी तो मेरा थोड़ा हेल्प कर दे रही है, ऐड वैड करके थोड़ा एडिट कर दे रही है, तो थैंक यू मम्मी। और आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टिक द बेल आइकन। Bye, see you in the next video. Tab tak mil ke kar, bye bye bye.